प्यार के लिए युवक बना कातिल। आपको सुनकर अजीब तो लगेगा, लेकिन हरदोई के अतरोली थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर में पुलिस के हत्थे ऐसा ही हत्यारा चढ़ा है, जो कि अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए पहले किडनैपर बना और फिर हत्यारा। जानकारी के अनुसार प्रेमिका से शादी करने के लिए रुपए कमाने की चाहत में फिरौती मांगने का काम शुरू किया और इस दौरान किसान के बेटे का अपहरण कर लिया। इस दौरान जब 7 वर्षीय मासूम ने शोर मचाया तो उस सर्वफिरे आशिक ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसका शव गड्ढे में डालकर दफन कर दिया और मौके से फरार हो गया। पिता जब अपने बेटे को सभी ओर ढूंढा तो कहीं पर नहीं मिला, तो बाद में पिता ने एक युवक पर शक जताया और पुलिस को इसकी शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की और युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूछताछ में युवक ने अपना गुनाह कबूल किया और जहां पर बच्चे को दफन किया था पुलिस को वह जगह बताई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुकर्म के प्रयास की भी पुष्टि हुई है। अतरोली थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर निवासी राम प्रसाद किसान का इकलौता पुत्र था प्रियांशु, जो कि बंजरा प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 2 में पढ़ता था। दरअसल कुछ माह पूर्व सुनील उन्नाव जनपद के अचलगंज थाना क्षेत्र के एक गांव से लड़की को प्रेम प्रसंग में साथ ले आया था। लड़की के परिजनों ने सुनील को नसीहत दी थी कि कोई काम धंधा करे और रोजगार मिल जाने पर शादी कर देंगे। इसी के कारण उसने प्रियांशु का अपहरण किया, लेकिन पोल खुलने की डर से बच्चे की हत्या कर दी। हालांकि तालाब में सिंघाड़े की फसल डालने वाले ने उसे कुछ रुपए देने का आश्वासन दिया था, लेकिन जल्दी रुपए कमाने और प्रेमिका से शादी करने की चाहत में उसने अपहरण कर फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि युवक को जेल भेजा गया है। सर, हम पैसे लेना चाहते थे, हम पैसे लेके एक लड़की से बात करते थे, हम लेके उसे भाग जाना चाहते थे। हमें पैसे मिल जाते हम उससे लेके चले जाते, लेकिन वहाँ पे 2-3 आदमी आ गए थे, इसलिए हम सर ऐसा कर दिए। क्या किया? नहीं तो उसे मार देने, तो हम सर नहीं कुछ करते, हम उसे छोड़ देते, हमें पैसे मिल जाते हम भाग जाते गाँव छोड़कर। कौन लड़के थे, किससे संबंध था, क्या था? सर यहाँ नौकरी ना लेते फिर उससे बात करते थे सर, हम दोनों जाना चाहते भाग जाना चाहते थे शादी करने। लालपुर गांव के एक बच्चा जो 8 साल का था, उसकी गुमशुदगी हरबारों में थाने पर दर्ज कराई थी और अगले ही दिन उस बच्चे का शव बरामद हुआ। मुलजिम की निशानदेही पे ही शव बरामद किया गया था और मुलजिम ने पूछताछ में बताया है कि वो बेंगलोर में काम करता है और उसका जान पहचान एक उन्नाव की लड़की से है, जिसके साथ वो शादी करना चाह रहा था, उसको पैसे की जरूरत थी। इस बच्चे को देख के उसके दिमाग में एक मैजिक आइडिया आया, उसने सोचा इस बच्चे को अपहरण करके इसके पिताजी से जो भी पैसे मिल जाएंगे वो लेकर के मैं यहाँ पर चला जाऊँगा और शादी करूँगा। इस मोटिवेशन के तहत उसने बच्चे को अपने पास बुलाया, लेकिन वहाँ मौके पर जब कुछ लोग आ गए तो डर के मारे इसने जो इसका वर्जन है इसने उस बच्चे की हत्या कर दी, उसके शव के खेतों में छिपा दिया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए उसको गिरफ्तार कर दिया है और उसमें भी यही कार्रवाई कर। कहाँ का रहने वाला है अभियुक्त? क्या है अभियुक्त? उसी गांव के पास का रहने वाला है, थाना अतरौली क्षेत्र का। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।